झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद कई नेता जो है शिक्षा मंत्री के रेस में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन इस रेस के अलावा एक रेस झारखंड में चल रहा है जिसका नेतृत्व झारखंड खतियानी झारखंडी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं अमित महतो वो कर रहे हैं। उन्होंने 31 मार्च 2023 को सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से इस रेस की शुरुआत की थी, मैराथन दौड़ की शुरुआत की थी और पूरे झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्रों में उनका ये दौड़ होगा और वहाँ से सभी विधानसभा क्षेत्र में दौड़ करने के बाद 19/6/2023 को वो इसका समापन रांची में करेंगे। तो इस दौड़ का क्या मुख्य उद्देश्य है और ये लंबा रेस जो उनका है वो किस वजह से चल रहा है, ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और झारखंड के शिक्षा मंत्री की रेस में कौन सबसे आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में कौन इस रेस में पास भी करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि अमित महतो जो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हुआ करते थे, अजसू पार्टी के प्रमुख जो हैं उसको हरा करके वो सिल्ली विधानसभा से विधायक बने और आज वो पूरे झारखंड में दौड़ लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, इस तमाम चुनावों में उनका क्या असर होगा और झारखंड का जो खतियानी जोहार यात्रा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था उस पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि ये 21 किलोमीटर की यात्रा हर दिन कर रहे हैं और दौड़ लगा रहे हैं। आज देवघर जिला पहुंचे थे और देवघर जिला के सारठ विधानसभा में उनका दौड़ था और फिर कल वो मधुपुर जाएंगे, मधुपुर के बाद वो गिरिडीह जाएंगे, गिरिडीह चतरा उधर होते हुए वो 19/6/2023 को इसका समापन रांची में करेंगे। तो आइए सुनते हैं कि झारखंड खतियानी झारखंडी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित महतो इस विषय में क्या कुछ कहते हैं। मैराथन में अपने को आज बाबा नगरी में बाबा ने भिगा दिया, बारिश की बूंदे न थी, आशीर्वाद था वो अपना प्रसाद जो हमने पा लिया, न रुकना न झुकना खतियानी के वास्ते बाबा ने भी बस इसी बात को दोहरा दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप देख रहे हैं आज किस तरीके से हमने बाबा की नगरी में एक नहीं 21 किलोमीटर दौड़ने का काम किया। अब देखें यहाँ पर जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों की बस एक ही मंशा है, एक ही इच्छा है कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति का निर्धारण हो, तभी हमारे एक एक खतियानियों का भला हो सकता है, घर में खुशहाली आ सकती है, हमारा बेहतर झारखंड, समृद्ध झारखंड बन सकता है। आपकी गलत नीतियों से हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं होता, हमारा मार्ग गर्त के रास्ते जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी जो 60-40 नीति है, आपकी जो मैट्रिक इंटर वाली नीति है, आपने जो रघुवर जी की बनाई गए रास्ते पर चलने को तैयार अपने आप को कर लिया है, आपने जो रास्ता तैयार किया है वो हमें मान्य नहीं है, इसीलिए तो हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज ये हमारा 76वां दिन था और ये 28वां विधानसभा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी यही कार्यशैली गतिविधियां जारी रही, 129 दिन तो हम कहे हैं कंप्लीट मैराथन, रोज एक नहीं 21 किलोमीटर का दम दिखेगा और हर एक विधानसभा वासी आपका विरोध करेंगे। विरोध फाइनली इतना व्यापक होगा कि आपकी कुर्सी भी चली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आप अभी वर्तमान समय में युवाओं के भविष्य का कत्ल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप हमारी पीढ़ियों के भविष्य को खत्म करेंगे। आपकी यही मंशा रही तो हमारे भी आने वाले दिनों में मंशा कुछ और ही बने। अभी आप सुन रहे थे अमित महतो को। अमित महतो खतियानी झारखंडी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पार्टी का गठन करने के बाद से ही ये दौड़ शुरू कर दिया है, पूरे झारखंड में दौड़ लगा रहे हैं और 81 विधानसभा में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि खतियान क्या है। खतियान का मुद्दा जो है झारखंड में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं और खतियान के समर्थन में जो बोलते हैं वो पार्टी का नेता का किसी का भी कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो खतियान का समर्थन करते हैं। जैसे कि लॉबिन हेब्रम के बारे में आप सभी को पता होगा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं लेकिन अपनी सरकार को खतियान के मुद्दे पर घेरते हुए
नजर आते हैं वो लगातार अपनी सरकार के विरोध में खड़ा हो जाते हैं कि खतियान लागू करना होगा, और खतियान को लेकर के अमित महतो भी लगातार दौड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे में आप देखना होगा, सभी की नज़र डुमरी विधानसभा पर है, जहां पर लगातार 4 बार से विधायक रहे और मंत्री भी बने, शिक्षा मंत्री बने जगन्नाथ महतो, उसका निधन हुआ और वो भी खतियान के समर्थन में थे, काफ़ी ज़्यादा खतियान को लेकर के वो भी लड़ाई लड़े और अंततः उसकी मृत्यु हो गई और सीट खाली हो गया। ऐसे में देखना होगा उपचुनाव में इसका क्या कुछ असर होगा, और सभी की निगाहें जो है उसके पुत्र अखिलेश महतो के ऊपर तो है ही, लेकिन अमित महतो को लेकर के भी लोगों के बीच में चर्चा हो रही है कि अमित महतो भी खतियान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं और खतियान लागू हो इसके पक्ष में है। तो देखना होगा कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में डुमरी में क्या कुछ होने वाला है। डुमरी विधानसभा की हम बात करें तो 4 बार से जगन्नाथ महतो विधायक थे और काफ़ी बड़े अंतर से वहां पर अजसू के प्रत्याशी जो थे उसे हराया था। असोदा देवी को करीब 36,000 वोट मिले थे और जगन्नाथ महतो को 71,000 वोट मिले थे। हालांकि बीजेपी और अजसू जो है वहाँ दोनों अलग अलग लड़े थे और दोनों में गठबंधन होने के बावजूद भी उस सीट पर दोनों अलग लड़े थे, लेकिन इस बार अब देखना होगा कि किसको कौन द्वार बनाता है, दोनों साथ मिलकर लड़ता है या फिर अलग अलग लड़ता है। बीजेपी ने पिछला बार जो है प्रदीप साहू पर अपना दांव चला था, लेकिन दोनों हार गए थे और बड़े अंतर से वहां पर जगन्नाथ महतो ने जीत दर्ज किया था। तो आने वाले विधानसभा उपचुनाव में वहां क्या कुछ होगा, इस पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई है।